हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति एंड वेलकम टू द कंप्लीट सीरीज ऑफ पाइथन फॉर डेटा साइंस। आज हम पढ़ने वाले हैं डिक्शनरी का लेक्चर नंबर 25, पार्ट नंबर 3। मुझे उम्मीद है कि इसके पहले जो दो पार्ट्स हमने कवर किए, पार्ट 1 पार्ट 2, उसके क्वेश्चंस आपने जरूर सॉल्व किए होंगे और उन दोनों लेक्चर्स में जो कॉन्सेप्ट हमने अंडरस्टैंड किए वो भी आपको क्लियर होगा। आज पार्ट नंबर 3 में ज्यादा फोकस होगा हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसके साथ ही कुछ नए कॉन्सेप्ट जो डिक्शनरी की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज है वो जानेंगे, मेंबरशिप टेस्टिंग, नेस्टेड डिक्शनरीज और कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं क्लास आज ही, लेकिन इसके पहले डेटा साइंस डेटा एनालिटिक्स के फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं आईस्किल की वेबसाइट पर। नोट्स कैसे डाउनलोड करना है उसे देखते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं क्लास आज की। तो इसके लिए आपको सिंपल सा द आईस्किल की वेबसाइट पे जाना है। आप गूगल पे जाएंगे और वहां पे जाके लिखेंगे द आईस्किल डॉट कॉम, तो आपको यहाँ पे द आईस्किल की जो वेबसाइट है वो सबसे पहले मिल जाएगी। यहाँ पे आपकी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। इसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं टॉप में एक्सप्लोर कोर्सेज का आपको ऑप्शन मिलेगा। हम जाके क्लिक करेंगे एक्सप्लोर कोर्सेज में और यहाँ पे कई कई सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जहाँ पे हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑल कैटेगरीज करके, यहाँ पे हियर यू कैन सी। तो यहाँ पे हम जाएंगे और ड्रॉप डाउन में हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें फ्री कैटेगरी का कोर्स चाहिए, तो हम यहाँ पे फ्री कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं कि फ्री कैटेगरी के हमारे पास कोर्सेज दिखने लग गए, जिसमें से हमें जाना है फ्री डेटा साइंस कोर्स में। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा फ्री डेटा साइंस कोर्स का। हम इस कोर्स को जाके ओपन करेंगे। जैसे ही हम यहाँ इस कोर्स को ओपन करेंगे, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा डाउनलोड ब्रोशर का और एनरोल नाउ का। तो आप यहाँ से ब्रोशर भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब सबसे पहला स्टेप होगा हमारे लिए एनरोल नाउ का। तो हम यहाँ जाएंगे एनरोल नाउ पे, हम जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे पेज जो है वो देखने के लिए मिलेगा। अब अगर आप द आईस्किल की वेबसाइट पे पहली बार आ रहे हैं तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे आईस्किल की वेबसाइट में फर्स्ट टाइम अगर आ रहे हैं तो यहाँ पे रजिस्टर नाउ का आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे सिंपली आपको जाना है और यहाँ पे रजिस्टर करना है। तो यहाँ अब हमें बेसिक अपनी डिटेल्स डालना है, जैसे आपके नाम का फर्स्ट नेम, देन आफ्टर यू हैव टू राइट योर लास्ट नेम। इसके बाद आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालेंगे, सो हियर आई एम जस्ट राइटिंग द ईमेल आईडी। इसके बाद आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, सो आई एम राइटिंग हियर द कॉन्टैक्ट नंबर। अगर यही आपका व्हाट्सएप नंबर भी है तो आप यहाँ पे चेकबॉक्स में टिक कर सकते हैं। देन यू हैव टू सेलेक्ट योर जेंडर और इसके बाद हमें फाइनली यहाँ पे रजिस्टर की बटन दिखेगी, यहाँ पे जाके हमें क्लिक करना है। देन नेक्स्ट यहाँ पे स्टेप होगा ओटीपी वेरिफिकेशन का, तो हम यहाँ चेकआउट कर लेते हैं ओटीपी, और हियर वी हैव गॉट द ओटीपी ऑल्सो, तो हम यहाँ जाके ओटीपी डाल देंगे, सो आई एम राइटिंग हियर द ओटीपी। ऑलराइट, इसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी करना है। जैसे ही आपका ओटीपी यहाँ पे वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा, आप यहाँ पे अपना पासवर्ड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेती हूँ, आप जो चाहे वो अपना पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, एंड हियर वी आर क्रिएटिंग द पासवर्ड। अब ये फाइनल हमारा स्टेप सारा कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा आपका डैशबोर्ड। अब यहाँ पे हम जाएंगे एक्सप्लोर कोर्सेज में और यहाँ जाके हम यहाँ पे फ्री कोर्स जो है इसमें हम एनरोल करेंगे। तो एक्सप्लोर कोर्स में जाने के बाद मैं यहाँ पे वापस फ्री कैटेगरी में जा रही हूँ और हमें डेटा साइंस के इस फ्री कोर्स में जाके एनरोल करना है। तो मैं यहाँ पे जो डेटा साइंस वाला कोर्स है इसमें मैं यहाँ पे जा रही हूँ। अब मैंने वापस से इसको ओपन किया, अब मैं प्रॉपर तरीके से रजिस्टर कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा एनरोल नाउ का, हियर यू गाइस कैन सी हियर वी आर हैविंग द ऑप्शन फॉर एनरोल नाउ। तो अब यहाँ जाके हम लोग एनरोल नाउ करते हैं। अब इसके बाद इस कोर्स को पढ़ने के लिए कंप्लीटली फ्री है, कुछ भी आपको अमाउंट नहीं देना है, 0 रुपीज है। अब इसके बाद सिंपल यहाँ पे आपको एनरोल नाउ का यहाँ पे एक बटन दिखेगा, नीचे स्क्रॉल करना है, एनरोल नाउ की बटन पे जाके सिंपली क्लिक करना है। बहुत आसान सा प्रोसेस है ये। जैसे ही आप यहाँ पे कोर्स में एनरोल कर लेंगे, अभी हमारा कोई प्रीमियम कोर्स नहीं इसलिए खाली दिखा रहा है, फ्री कोर्स में हम जैसे ही जाएंगे हमें यहाँ पे दिखा देगा हमारे फ्री कोर्स में कि हमने फ्री डेटा साइंस का जो कोर्स है इस पे एनरोल किया हुआ है। अब इसके बाद आप यहाँ जा सकते हैं, स्टार्ट कोर्स कर सकते हैं और इस कोर्स को हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। इस कोर्स को आप जैसे ही ओपन करेंगे आपको यहाँ पे सारी की सारी चीजें जो है वो शो होने लगेगी। सो लेट्स जस्ट ओपन द कोर्स। अब ये कोर्स हमारा ओपन हो चुका है और हम यहाँ देख सकते हैं कि मशीन लर्निंग का ऑलरेडी यहाँ पे लेक्चर्स डला हुआ है निशांत भैया का।
इसके अलावा अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे पाइथन फॉर डेटा साइंस आपको यहाँ सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। फर्स्ट वाला जो आपको यहाँ लेक्चर है यहाँ पे सारा वीडियो लेक्चर मिलेगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पे सेकेंड देखें तो यहाँ पे आपको नोट्स का भी यहाँ पे सारे के सारे जो भी लेक्चर्स मैं आपको पढ़ाते जाऊंगी, कभी नोट्स होंगे, कभी डेटा सेट होगा, कभी कुछ और फाइल्स होंगी, तो वो सारा भी आपको यहाँ पे मिलते जाएंगे। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं क्लास आज की। आज हम कवर करने वाले हैं लेक्चर नंबर 25। सो लेट मी जस्ट राइट दिस इन अ फॉर्मेट ऑफ अ हेडिंग। डिक्शनरी का पार्ट नंबर 3 आज हम लोग कवर करेंगे। पिछली क्लास में कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा था डिक्शनरी के बारे में। आज थोड़ी और ज़्यादा डेप्थ में हम बात करेंगे डिक्शनरी की और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ उन कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं डिक्शनरी के पार्ट नंबर 3 में, दैट इज मेंबरशिप टेस्टिंग। तो मेंबरशिप टेस्टिंग, अब यहाँ पे मेंबरशिप टेस्टिंग क्या होता है, इसको सबसे पहले हम लोग एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं, इसके बाद इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो यहाँ पे मैं एक डिक्शनरी बना रही हूँ पर्सन नाम से। इस डिक्शनरी के अंदर कुछ की वैल्यू पेयर्स होंगे, तो यहाँ पे मैं सेम हमने जैसे ये डिक्शनरी को पहले भी क्रिएट किया है, सो यहाँ पे मैं कुछ की वैल्यू पेयर्स को यहाँ पे लिख रही हूँ। सो दैट इज वन की वैल्यू पेयर, अनदर की वैल्यू पेयर इज एज। एज के अंदर हम लोग लेट्स सपोज डाल देते हैं 25 एंड लेट्स से सिटी, और यहाँ पे मैं सिटी में कुछ डाल देती हूँ, दैट इज लेट्स सपोज दिल्ली, राइट। तो मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक डिक्शनरी को यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ। अब ये डिक्शनरी क्रिएट हो गई, अब आपको ये टेस्ट करना है, ये चेक करना है कि यहाँ पे पर्टिकुलर, जैसे मैं एक ईमेल नाम से मेरे पास एक कीवर्ड है, क्या ये ईमेल कीवर्ड इस डिक्शनरी के अंदर है या नहीं है। तो इसका जो भी रिजल्ट मिलेगा, अगर होगा तो हमें ट्रू मिलेगा, अगर नहीं होगा तो रिजल्ट हमें फॉल्स मिलेगा। तो यहाँ पे यही जो टेस्टिंग होती है इसको बोलते हैं मेंबरशिप टेस्टिंग। और ये मेंबरशिप टेस्टिंग किसके साथ की जाती है, तो ये बेसिकली हम लोग कीवर्ड्स के साथ कर सकते हैं। सो मेंबरशिप टेस्टिंग इन कीवर्ड्स, सो आई एम गोइंग टू राइट हियर इन कीवर्ड्स। तो यहाँ पे एक डिक्शनरी बन गई। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं प्रिंट। अब यहाँ पे मुझे चेक करना है कि ये जो लेट सपोज यहाँ पे वर्ड जो है, राइट, ये वर्ड हमारे पास नेम जो है वो इस पर्सन नाम की डिक्शनरी के अंदर है या नहीं है। तो नेम इन पर्सन मैं यहाँ पे लिखूंगी, इसको रन करूंगी, यहाँ पे मुझे आउटपुट क्या मिला, ट्रू। ट्रू इसलिए मिला क्योंकि जाहिर सी बात है ये जो हमने की यहाँ पे बनाई है, इस की का नाम, इस की में नेम लिखा हुआ था और यहाँ पे हम सर्च भी नेम कर रहे हैं, तो ये इसके अंदर था, इसलिए हमें रिजल्ट मिला ट्रू। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंट और यहां पे मैं लिखती हूं ईमेल इन पर्सन, तो क्या यहां पे रिजल्ट मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे ये जो हमने डिक्शनरी क्रिएट किया है इसमें कोई भी की का नाम ईमेल नहीं था, इसलिए इसके अंदर कोई भी ईमेल नाम का जो कीवर्ड है वो यहां पे अवेलेबल नहीं है। अब मैं यहां पे अगर जाती हूं, मैं लिखती हूं प्रिंट, यहां पे अब मैं कोई वैल्यू लिख देती हूं, जैसे मैं यहां लिख लेती हूं स्वाति इन पर्सन। अब मैं इसको रन करूंगी तो यहाँ पे रिजल्ट क्या मिल गया हमें, फॉल्स। इसका मतलब ये कि जो केवल कीज है आप उन्हीं को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, अगर आप कोई वैल्यू यहाँ पे सर्च कर रहे होंगे तो वो हमें नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे कभी भी मेंबरशिप टेस्टिंग जो होती है वो किस में होती है, कीज में होती है, ना कि वैल्यूज में होती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मेंबरशिप टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट हमने समझा। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेस्टेड डिक्शनरीज के बारे में। एक डिक्शनरी के अंदर दूसरी डिक्शनरी हम लोग यहाँ पे कैसे क्रिएट कर सकते हैं, नेस्टेड डिक्शनरीज। तो मैं यहाँ सबसे पहले हेडिंग लिख लेती हूँ नेस्टेड डिक्शनरीज, नेस्टेड डिक्शनरीज। लेट मी फर्स्ट राइट दिस इन अ फॉर्मेट ऑफ अ हेडिंग। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे डिक्शनरी को क्रिएट करके देखते हैं। ऑलराइट, सो अभी हमने ये देखा कि जब हम डिक्शनरी की बात करते हैं तो कोई भी की अगर हम बनाएं उसमें हम डिक्शनरी का जो है बेसिकली वो नहीं डाल सकते क्योंकि वो अनहैशेबल होता है। ये बात हमने पिछली क्लास में देखी थी। अब हम बात कर रहे हैं नेस्टेड डिक्शनरी की। इसका मतलब अब आपको इतना तो पता है कि आप कोई भी की के अंदर डिक्शनरी नहीं बना सकते, लेकिन आप वैल्यूज के अंदर जो है वो डिक्शनरी जरूर डिक्लेयर कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसको, इसको एक डिक्शनरी बना के समझते हैं। तो यहाँ पे लेट सपोज मैं यहाँ पे एक एम्प्लॉई नाम से एक डिक्शनरी बना रही हूँ और इस एम्प्लॉयज नाम की डिक्शनरी के अंदर, लेट मी जस्ट क्रिएट अ डिक्शनरी फर्स्ट। अब इस एम्प्लॉयज नाम की डिक्शनरी के अंदर मैं पहली जो की बना रही हूँ उसका नाम है EMP1, यानी कि एम्प्लॉय वन। अब यहाँ पे इतनी बात तो हमें पता है कि कभी भी हम लोग की जो है इसमें डिक्शनरी को डिक्लेयर नहीं कर सकते,
लेकिन वैल्यूज में तो कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू जो क्रिएट करेंगे, इसके अंदर हम वैल्यूज में क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ की वैल्यू पेयर्स बना देती हूँ, जैसे नेम जो है, लेट्स सपोज नेम ऑफ द एम्प्लॉयज एलिस एंड एज लेट्स सपोज 30 एंड देन आफ्टर सिटी लेट्स सपोज पुणे, राइट। सो दिस इज वन डिक्शनरी हियर आई एम क्रिएटिंग, और ये डिक्शनरी को मैंने कहाँ डाला है, वैल्यू के अंदर। अब ठीक वैसे ही मैं यहाँ पे EMP2 नाम से एक और यहाँ पे मैं की बना रही हूँ, और इस की के अंदर अब मैं क्या कर रही हूँ, वैल्यू बना रही हूँ, और इस वैल्यू के अंदर हम लोग क्या बना सकते हैं, डिक्शनरी बना सकते हैं। तो इसके अंदर भी मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ नेम, नेम ऑफ द एम्प्लॉयज लेट सपोज प्रिया एंड एज इज लेट सपोज 25 एंड सिटी लेट सपोज, सिटी यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, और सिटी लेट सपोज इट्स हैदराबाद। ऑल राइट, इसको अगर मैं रन करके देखूं, सो इट इज शोइंग एरर बिकॉज हियर डबल इन्वर्टेड कॉमाज आर मिसिंग। ओके, अब इसको रन करके देखते हैं, तो ये बेसिकली हमारे पास बन गया। अब डिक्शनरी को यहाँ पे प्रिंट अगर मैं करूं, तो प्रिंट एम्प्लॉयज मैं यहाँ पे कर रही हूँ। अब इस एम्प्लॉयज नाम की डिक्शनरी के अंदर मेरे को क्या चाहिए, EMP1, ठीक है। अब मैं इसको जैसे ही यहाँ पे रन करूंगी, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, हमें एरर शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयज की स्पेलिंग मिस्टेक है। तो एम्प्लॉयज में मैंने जैसे EMP1 यानी कि की वन का नाम लिखा, इसके अंदर जो भी वैल्यूज थी आ गई। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, सेम जो कॉन्सेप्ट है, मैं इसी कोड को यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ, इस कोड को मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। अब इस एम्प्लॉय वन के अंदर मेरे को क्या चाहिए, नेम नाम से इसके अंदर मेरे पास की है। अब मैं जैसे ही इसको रन करूंगी, नेम यहाँ पे क्या आ गया, एलिस। अब सेम यही कोड है, मैं इस कोड को कॉपी कर रही हूँ, इसको मैं यहाँ पे प्रिंट कर रही हूँ। अब EMP1 की जगह मैं यहाँ पे EMP2 का अगर नेम जाके प्रिंट करूँ, तो इट इज शोइंग प्रिया। तो इस तरीके से भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ये बात हमेशा हमें ध्यान रखनी है कि जब भी हम कोई नेस्टेड डिक्शनरी बनाएं, तो कभी भी हम लोग की का नाम डिक्शनरी नहीं रख सकते, वैल्यूज में हाँ हम जरूर डिक्शनरी को रख सकते हैं, और इस तरीके से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं डिक्शनरी को। तो यहाँ तक की वैल्यू पेयर्स हम समझ चुके हैं, नेस्टेड डिक्शनरी समझ चुके हैं, और अब हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन, इसको आज की क्लास में सॉल्व करके देखते हैं। सो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेती हूँ, समझते हैं कि ये प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्रिएट अ डिक्शनरी बुक रेटिंग्स, बुक रेटिंग्स नाम से हमें यहाँ पे एक डिक्शनरी बनानी है। अब इस डिक्शनरी के अंदर क्या क्या की वैल्यू पेयर्स होंगे, क्या हमें दिया हुआ है, पाइथन प्रोग्रामिंग नाम से एक की है जिसके अंदर वैल्यू है 4.5, डेटा साइंस हैंडबुक नाम से एक की है जिसके अंदर वैल्यू है 4.8, मशीन लर्निंग बेसिक्स नाम से एक की है जिसके अंदर वैल्यू है 4.2। तो एक डिक्शनरी का नाम क्या होना चाहिए, बुक रेटिंग, और उसके अंदर तीन की वैल्यू पेयर्स होंगे, ये हमें दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पे एक ऐसा पाइथन प्रोग्राम लिखना है ये चेक करने के लिए कि जो पाइथन प्रोग्रामिंग है वो इस डिक्शनरी के अंदर है या नहीं है। अगर है तो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए फाउंड, अगर नहीं है तो नॉट फाउंड प्रिंट होना चाहिए। अब इसके बाद आपके पास इस डिक्शनरी के अंदर तीन कीज दी हुई है, एक की का नाम है पाइथन प्रोग्रामिंग, दूसरी की का नाम है डेटा साइंस हैंडबुक, और तीसरी की का नाम है मशीन लर्निंग बेसिक्स। इन तीनों कीज को अब आपको एक लिस्ट के फॉर्मेट में स्टोर करवाना है, और फिर उस लिस्ट को क्या कराना है, प्रिंट कराना है। ये टास्क दिया हुआ है इस क्वेश्चन में हमें परफॉर्म करने के लिए। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस डिक्शनरी को क्रिएट करेंगे। डिक्शनरी का नाम होगा बुक रेटिंग्स नाम से। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग एक डिक्शनरी को क्रिएट कर लेते हैं। इसके अंदर जो की वैल्यू पेयर्स होंगे, इन की वैल्यू पेयर्स को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं। तो पाइथन प्रोग्रामिंग, देन आफ्टर डेटा साइंस हैंडबुक एंड मशीन लर्निंग बेसिक्स। तो ये हमारे पास क्या बन गई है, ये डिक्शनरी हमारे पास क्रिएट हो चुकी है। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे इसमें चेक करना है कि पाइथन प्रोग्रामिंग अगर होगा तो प्रिंट करवाना है फाउंड, अदरवाइज नॉट फाउंड। तो मैं यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन लगेगी, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इफ पाइथन प्रोग्रामिंग इन, अगर पाइथन प्रोग्रामिंग इन बुक रेटिंग्स के अंदर है, बुक रेटिंग्स, तो प्रिंट क्या होगा, फाउंड, प्रिंट फाउंड। और अगर ऐसा नहीं है तो जाहिर सी बात है हम कहाँ जाएंगे, एल्स केस में आ जाएंगे, और एल्स में हम क्या प्रिंट करवा देंगे, नॉट फाउंड, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, इतना रन करके देखते हैं।
तो इट इज शोइंग सर्टन एरर, लेट्स जस्ट चेक क्या एरर है. ओके, बुक रेटिंग हमने यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे हमने कर दिया रेटिंग्स, इसलिए यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक के कारण एरर है. तो यहाँ पे देखो पाइथन प्रोग्रामिंग, यहाँ पे मैंने लिखा है पी इसका कैपिटल होना चाहिए और यहाँ पे प्रोग्रामिंग का भी पी कैपिटल होना चाहिए. अब रन करते हैं तो इट इज शोइंग फाउंड. तो पाइथन प्रोग्रामिंग ऑलरेडी इसके अंदर था तो यहाँ पे प्रिंट क्या हो गया हमारे पास, फाउंड. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन कि जितनी भी हमारे पास कीज हैं, तीन कीज हैं, इन तीनों को हमें क्या करना है, लिस्ट के फॉर्मेट में स्टोर करवाना है. तो अब इसके लिए क्या करें, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टाइटल्स नाम से मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ. अब मेरे को हर चीज को यहाँ पे लिस्ट में स्टोर करवाना है, इसलिए मैंने लिस्ट लिखा. अब कैसे स्टोर करवाऊंगी, तो मेरी डिक्शनरी का नाम है बुक रेटिंग्स. इस बुक रेटिंग्स के अंदर मैं डॉट कीज लगाऊंगी. जैसे ही मैं डॉट कीज लगाऊंगी तो क्या होगा, सारी जो वैल्यूज है यहाँ पे क्या हो जाएगी, मेरे पास बुक रेटिंग्स होना चाहिए. सारी वैल्यूज यहाँ पे क्या हो जाएगी, बुक रेटिंग्स के पास की सारी वैल्यूज आ जाएगी. अब मैं यहाँ पे जाके प्रिंट टाइटल्स करवाऊंगी. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितनी हमारे पास कीज था, डॉट कीज से आपको सारी की सारी कीज मिल गई और सारी कीज को आपने किसके अंदर स्टोर करा दिया, लिस्ट. और मैं यहाँ पे टाइटल्स को जैसे ही प्रिंट करा रही हूँ तो देखो पाइथन प्रोग्रामिंग, डेटा साइंस हैंडबुक, मशीन लर्निंग बेसिक्स, ये क्या हो गया मेरे पास, लिस्ट के फॉर्मेट में स्टोर हो गया. तो इस क्वेश्चन में जो चीजें हमें सॉल्व करने के लिए दी थी, वी हैव ऑलरेडी डन दैट. तो ये था हमारा पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन. अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं हमारा दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन. ऑलराइट, अब यहाँ सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन टू आज का, और हेडिंग के फॉर्मेट में लिख लेते हैं इसको. सो सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखते हैं. सेकेंड क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है क्रिएट अ डिक्शनरी फ्रूट स्टॉक. एक फ्रूट स्टॉक नाम से हमें डिक्शनरी बनाना है जिसके अंदर ये की वैल्यू पेयर्स क्या होंगे, ये हमें दिया हुआ है. अब हमें यहाँ पे लूप का यूज करना है और आउटपुट ऐसा दिखना चाहिए. आउटपुट ये होना चाहिए कि पहले लिख के आए फ्रूट, फिर कोलन, फिर की का नाम है एप्पल, और फिर कॉमा लगा के उसके अंदर कितने एप्पल्स हैं, स्टॉक कितना एप्पल का, 10. तो ये जो आउटपुट हमें दिख रहा है इस फॉर्मेट में हमें सारी चीजों को प्रिंट करवाना है बाय यूजिंग द फॉर लूप. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिक्शनरी बना लेते हैं. तो डिक्शनरी का नाम होगा फ्रूट स्टॉक नाम से. अब इस डिक्शनरी को हम लिख लेते हैं, सारी चीजें यहाँ पे जो है ये कैप्स में नहीं है तो मैं कैप्स बंद कर देती हूँ. फ्रूट स्टॉक नाम से डिक्शनरी हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे जिसके अंदर की वैल्यू पेयर्स होगा. सबसे पहले एप्पल नाम से की है, इसके अंदर वैल्यू है 10. देन आफ्टर यहाँ पे एक और की दी हुई है हमारे पास बनाना नाम से, इसके अंदर वैल्यू क्या है, इसके अंदर वैल्यू है 15. देन अनदर वन इज ऑरेंज, इसके अंदर वैल्यू दी हुई है 8. फिर उसके बाद अगला की वैल्यू पेयर क्या है, ग्रेप. सो आई एम राइटिंग हियर ग्रेप, और इसके अंदर वैल्यू क्या दी है, 20. ये बन गई हमारे पास डिक्शनरी. अब यहाँ पे फॉर लूप की मदद से ये जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है कि फ्रूट आए, फिर एप्पल, फिर स्टॉक, इस तरीके से चीजें आए, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे फॉर लूप यूज करेंगे. फॉर फ्रूट इन फ्रूट स्टॉक, ये मैं यहाँ पे लूप चला रही हूँ. तो जैसे ही यहाँ पे ये लूप चलेगा तो मैं पहले प्रिंट भी करके दिखा देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए. तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ प्रिंट. सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या प्रिंट करवाना है, फ्रूट तो आना ही चाहिए क्योंकि यहाँ पे देखो आउटपुट जो हमें, हम जैसा चाहते हैं जिस पैटर्न में, फ्रूट सबसे पहले आना चाहिए. तो फ्रूट तो यहाँ पे रहेगा ही, तो मैंने इसको यहाँ पे प्रिंट कर लिया. अब इसके बाद कॉमा. अब यहाँ पे पहली बार जब लूप चलेगा इस डिक्शनरी में, इस डिक्शनरी में पहली बार लूप चलेगा तो कहाँ पे आएगा, एप्पल के पास में. तो यहाँ पे प्रिंट क्या हो जाना चाहिए, फ्रूट ही प्रिंट होना चाहिए क्योंकि फॉर आई इन फॉर फ्रूट स्टॉक यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए फ्रूट. अब इसके बाद हम लोगों को क्या चाहिए, स्टॉक नाम से एक वर्ड है, इसको प्रिंट करवाना पड़ेगा. तो मैंने यहाँ लिख दिया स्टॉक, और इसके अंदर क्या आना चाहिए, वैल्यू आनी चाहिए. तो वैल्यू कहाँ पे मिलेगी, फ्रूट स्टॉक, ये डिक्शनरी का नाम है, और इसके अंदर फ्रूट नाम से हमारे पास जो है की वैल्यू पेयर्स वो पास होंगे. तो देखो इसको समझना थोड़ा कोड को, पहले यहाँ पे चाहिए था फ्रूट, ठीक है. तो फ्रूट तो हमने यहाँ लिख दिया प्रिंट होने के लिए. अब उसके बाद जैसे ही यहाँ पे लूप चला तो पहले मिला एप्पल, तो अब यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा एप्पल, फिर प्रिंट होगा स्टॉक. अब इस एप्पल के अंदर क्या वैल्यू है,
फ्रूट स्टॉक इसके अंदर है एप्पल, इसके अंदर वैल्यू थी 10, तो अब यहाँ पे 10 प्रिंट हो जाएगा। अब ये लूप हमेशा एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ग्रेप सबके लिए चलेगा। और अब मैं इस कोड को रन करूंगी तो जिस फॉर्मेट में हमें चाहिए था वो फॉर्मेट हमें यहाँ पे मिल चुका है। यहाँ पे कोलन मिसिंग है तो गाइस एक काम करो, यहाँ पे कोलन डाल दो। अब रन करेंगे तो जिस फॉर्मेट में हमको चाहिए था उसी फॉर्मेट में मिल गई हमें सारी चीजें। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, तो आज की क्लास में दो प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, और भी क्वेश्चन आपको नोट्स में मिल जाएंगे, तो नोट्स डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। स्टे डेटा क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।